प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की कक्षा में एक बहुत ही सुंदर कहानी सीखेंगे। इस कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। अब इस कहानी के शीर्षक से ही आप पता कर सकते हैं कि कहानी किसके बारे में है, एक कौवे के बारे में है। और वो कौवा क्या होता है? प्यासा होता है। तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए इस चित्र में क्या आप देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, सूरज बहुत ही तेज चमक रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें बहुत तेज गर्मी लगती है, शरीर से पसीने आते हैं और हमें जल्दी जल्दी प्यास लगती है, ठंडी ठंडी चीजें खाने को मन करता है। उसी तरह से गर्मी का मौसम जो है वो पशु पक्षियों के लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों को भी छाया चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, सारे जलाशय जो होते हैं जहाँ पानी जमा होता है, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, ये सब सूख जाते हैं, तो पशु पक्षियों के लिए दिक्कत परेशानी तो हो ही जाएगी। तो ऐसे ही एक कौवा आकाश में, आसमान में उड़ रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अचानक उसे दूर एक घड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौवे को यह समझ में आती है कि हो ना हो जरूर उस घड़े में पानी होगा। कौवा उस घड़े के पास जाता है, देखता है कि उसमें पानी बहुत कम है। वो कोशिश करता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसकी चोंच जो है पानी तक पहुंच नहीं पाती है। आप जानते हैं ना, घड़े का मुंह क्या होता है, छोटा होता है। तो उस छोटे घड़े के मुंह में वो अपना चोंच नीचे तक, घड़े के पेंदी तक ले ही नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसको पानी नहीं मिला। फिर उसको एक उपाय सूझा, आइडिया। वो पास में कुछ पड़े कंकड़ को देखता है, उस कंकड़ को वो एक एक करके उठा उठा कर उस घड़े में डालता है। इससे क्या होता है, कंकड़ नीचे पेंदी में बैठते जाता है और पानी का लेवल जो है, पानी का स्तर धीरे 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 वो पानी ऊपर आ जाता है। कंकड़ नीचे बैठता है और पानी धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। फिर क्या होगा, आपको पता है, जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने क्या किया, भर पेट पानी पी लिया। आप यहां देख सकते हैं पिक्चर में कि कौवे ने किस तरह से घड़े में क्या जमा कर लिया है, कंकड़ डाल दिया है और पानी का लेवल ऊपर आ गया है। तो इस तरह से कौवा जो बिल्कुल समझदार था, क्या किया, पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लिया और वो खुशी खुशी वहां से उड़ गया। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें जीवन में भी कई तरह की परेशानियां आती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझदारी से उसका सामना करना है, उसका उपाय निकालना है और समझदारी से उस समस्या का समाधान करना है। तो चलिए आते हैं इस कहानी का हम लोग अभ्यास भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों से कहानी पूरी कीजिए। ये जो कहानी है इसमें आप चित्र भी देख पा रहे हैं कि ये कौवा है, गर्मी का समय है, फिर उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी का लेयर जो है घड़े में बहुत नीचे है। फिर वो दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वो कंकड़ जमा करके घड़े में डाल रहा है, और तीसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वो पानी पीकर तृप्त हो जा रहा है। तो कुछ शब्द आपको दिए गए हैं यहाँ बॉक्स में, इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको पूरा सेंटेंस, पूरी कहानी को फिलअप करना है और इसे कंप्लीट करना है। क्या लिखा है, गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था, एक कौवा खाली स्थान में उड़ रहा था। अब यहाँ खाली स्थान है, इसमें क्या होना चाहिए आप बताएंगे,
इसमें आकाश, पहला में क्या होगा आकाश, तो एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। फिर दूसरा है वह खाली स्थान था, तो खाली स्थान की जगह पे हम क्या भरेंगे प्यासा, तो दूसरे में हम लोग भरेंगे यहां पर प्यासा, दूसरे में क्या हुआ प्यासा। उसने एक घड़ी में खाली स्थान देखा, क्या देखा पानी, उस घड़े में पानी खाली स्थान था, तो हम यहां लिखेंगे कम था, उस घड़े में पानी कम था। पास में पड़े कुछ खाली स्थान को देखकर उसे एक खाली स्थान सूझा, तो पास में पड़े किनको देखकर, पास में पड़े कंकड़ों को देखकर उसे एक क्या दिखा, आप बताइए क्या दिखा, उसे एक उपाय दिखा, ओके, उसे एक उपाय सूझा। उसने खाली स्थान से एक एक कंकड़ घड़े में डाला, उसने बारी बारी से, ठीक है बारी बारी से, तो सेवन नंबर है यहाँ पे आपका बारी बारी से। पानी क्या हो गया, पानी ऊपर आ गया, अब एट नंबर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ लिखा है ऊपर, ठीक, पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, खाली स्थान कौवा पानी पीकर उड़ गया। कैसा कौवा, कौवा कैसा था, समझदार था ना, तो यहां पर लास्ट हम देख पा रहे हैं नंबर नाइन समझदार, ठीक। तो इस तरह से आप लोग भी इस कहानी को शब्दों को सेलेक्ट कीजिए और खाली स्थान में भरते हुए पूरा पूरा कहानी आप लोग लिखकर उसे पढ़ेंगे और सीखेंगे, राइट। और आप लोग अपने मम्मी पापा को भी ये कहानी कह के सुना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।